आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड न्यूज़ 24/7। मैं हूं कलीम हुसैन। इस वक्त हम श्री कश्मीर के गुलमर्ग में जा रहे थे। रास्ते में टनमर्ग में है और आपको दिखाएंगे कि ये पानी की लाइन है, जो कि इस पानी की लाइन से सप्लाई होती है। इस सप्लाई में यहाँ पर जो आप ये फुहारा देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी लीकेज होने के कारण ये जो फुहारा है, मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा, ये फुहारा यहाँ से ऊपर की साइड जा रहा है। आप देख सकते हैं पानी ऊपर की साइड जा रहा है और ये पानी जा कर के इस पेड़ से टकरा रहा है और टेम्परेचर कम होने की वजह से मौसम में काफ़ी सुनपन है, ठंडापन है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बर्फ़ जम गई है पेड़ पर। आप देख सकते हैं ये बर्फ़ जम गई है पेड़ पर, ये नीचे तक इस तरह से यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, जबकि मौसम खुला है और धूप जैसा मौसम है, धूप भी है। इधर आप देख सकते हैं धूप है, बर्फ़ पड़ी है, लेकिन हल्की सी बर्फ़ यहाँ पर पड़ी हुई है। मौसम बिल्कुल साफ़ है, लेकिन पानी की जो सप्लाई का पाइप है उसके लीकेज होने की वजह से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से, कितनी ठंड है, जो ये बर्फ़ गिरते ही, पानी पेड़ पे जाते ही बर्फ़ जम गई। आइए आपको आगे दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये कुदरत, आप ये देख सकते हैं, ये बर्फ़ है जो कि पानी गिरने की वजह से पेड़ पर जम गई है। और ये देख सकते हैं, हमको जूम करके दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये बर्फ़, और ये नीचे तक, ये यहाँ तक आई हुई है। आप देख रहे थे ये टनमर्ग की कवरेज, यूपी उत्तराखंड न्यूज़ 24/7 के लिए कलीम हुसैन की रिपोर्ट।